अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बोवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। जहाँ मुमरा के उलमा इकराम कुछ आए हुए थे, उन्होंने अपने हाथों से आप लोगों को जूस पिलाकर जो है भूख हड़ताल खत्म कराई है। और महावितरण के भी कर्मचारी थे, आप लोगों के 9 मांगे थी, कौन कौन सी मांगे हैं जो पूरी की गई है? और ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगर और जो बची हुई मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो रमजान बाद आप लोग फिर दोबारा से भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तो आप पूरी जानकारी इसके बारे में दे दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि आप लोगों को पता होगा कि हम पहले 7 मांगे लेकर के यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन जब महावितरण की तरफ से लोग आए तो हमने हमारी 2 मांगे उसमें ऐड की थी कि आप यानी जो हमारे को यहाँ पर MACP का ऑफिस चाहिए मुमरा के अंदर, और दूसरी मांगे हमने जो ऐड की थी कि जो बिल पे फोटो आता है थाना में वो यहाँ पर आए, ताकि टोरेंट जो एवरेज बिल मानता वो ना हो। तो ये 9 मांगियों में से उन लोगों ने लगभग 5 मांगे हमारी यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से पूरी की है। पहला तो उन्होंने कहा कि टोरेंट का जो एग्रीमेंट है उसे रद्द करने के लिए लंबा प्रोसीजर है, 2-3 महीने का। उन्होंने आगे मुख्यमंत्री को और सबको प्रस्ताव भेज दिया है, उसको वक्त लगेगा। सेकंड, जो हमारी PD से रिलेटेड मांगने थी उसके लिए भी उन्होंने प्रस्ताव भेजा, लेकिन उनका अल्टरनेटिव उन्होंने निकाला है कि अगर जो फिक्स्टिजियस एरिया से, आपको पता होगा कि हमारे शहर के लोगों में थकबाकी जो बनाया गया वो MACDCL के अधिकारियों ने एक साजिश के तहत बनाया था, नहीं तो हमारे लोग कभी यानी उनका उधार नहीं था MACDCL। तो वो फिक्स्टिजियस एरिया जिसके ऊपर भी PD, मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि हमारी टीम जहाँ पर भी, शालम भाई मैं हूँ, जावेद सिद्दीकी भाई है, अहमद नेता भाई है, समीर भाई है, नासिर भाई है, कादर भाई है, और अज्जू भाई है, और जितने भी यानी लोग हैं आप MIM से जानते हो उनको कांटेक्ट करिए। अगर आपके PD का बिल है तो हम लोग, अधिकारी ने हमको बोला है कि हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर बैठेंगे, मंडे और मंगल को, और जो PD का बिल है और जो गलत तरीके से आ रहा है उसको पूरा CPL करने के बाद उसको दुरुस्त करेंगे। अगर आपका 2 लाख का भी बिल रहेगा तो मैं आपको ऑन कैमरा बोलता हूँ कि वो बिल आपको 10,000 के अंदर हो जाएगा। तो यानी जो 400 का टन बाकी था वो कहीं ना कहीं 50 का मैं बोलता हूँ वो 20 करोड़ के अंदर आ जाएगा। तो एक तरह से अल्लाह ने हमको ये मामले में फतेह दिलाई है, वो उन्होंने कबूल कर लिया है। तीसरा जो मीटर चेंजिंग का मामला है, उनके अधिकारी बैठेंगे, बोले अगर मीटर चेंज करने फास्ट है तो आप वहाँ अगर कंप्लेंट दे सकते हैं। चौथा, जो अधिकारियों पे इंक्वायरी बिठाने का मामला था वो उन्होंने कबूल कर लिया है। पांचवा, नोडल ऑफिसर लोग को वो लोग यहाँ पर बिठाएंगे, नोडल ऑफिसर यहाँ के बैठेंगे, ऐसा कबूल कर। ऐसा छठा, जो ऑनलाइन जो बिल अभी आप लोग को आता था उस पर इंशाल्लाह कैमरे के साथ यानी 1 महीने के अंदर वो बता देंगे कब से फोटो आएगा, इंशाल्लाह फोटो आएगा। तो इस तरीके से 5 मांगे हमारी पूरी हुई है। और कौन सी मांगे बाकी रह गई है? देखिए, टोरन का जो एग्रीमेंट है वो रद्द करने का बाकी रह गया है, और ये जो मीटर जो ये लोग जबरन चेंज कर रहे हैं उसका उन लोगों ने टोरन को भी भेज दिया डायरेक्शन और ऊपर भी प्रस्ताव दे दिया, तो वो एक हमारा मांगे रह गया है। टेस्ट रिपोर्ट जो देने की बात थी वो हमारी बाकी रह गई थी,
15 दिन में हो जाए। ये तीन चार मांगनी जो बाकी रहेगी जो हो रहा है वो हमारी रहेगी, उसके लिए भी उन लोगों ने ऊपर प्रस्ताव, हमारा टोटल जो मांगने का प्रस्ताव था वो सीएम से लेकर के हर संबंधित विभाग को लोगों ने भेज दिया, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि सब तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, इवन यहाँ से टोरेंट भी हटेगा इंशाल्लाह ताला, ये पॉजिटिव ऐसा नहीं होता है। तो आपने देखा कि हम लोगों को आज बड़ी तादाद में ऑलमा लोग समर्थन देने आए थे, उन लोगों ने पूरा मामला सुना, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि रमजान देखते हो वापस ले लो। हमने हमारा ऑपरेशन सिर्फ हमारे रहबरों की वजह से, जिस तरीके से हमारे यहाँ ने वो हड़ताल भी असली थी उस तरीके से ये ऑलमा लोग भी असली, आपको पता है ये वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। और हम लोग ने हमेशा, मैं पर्सनली इनसे राय मशवरा करके काम करता हूँ कुछ भी, तो मैंने उनसे उनकी बात मानी, हमारी टीम ने डिस्कशन लिया, दो मिनट का डिस्कशन लिया, सबकी एक ही बात थी कि भाई अगर ऑलमा बढ़ के बोले तो हमको बात काटनी नहीं चाहिए, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हमने बात काटी। और आने वाले टाइम पे जो बाकी की मांगनी पूरी नहीं हुई तो उसके लिए रमजान बाद इंशाल्लाह एमआईएम फिर से बैठेगी, और जैसा कि ऑलमोस्ट लोगों ने कहा कि वो हमारा पूरा साथ देगी, आवाम पूरा साथ देगी इंशाल्लाह, और सब मांगनी मांग के लिए। जैसा कि आज आप एमआईएम के भूख हड़ताल में आके जो सैफ पठान भूख हड़ताल पे थे, उनके कई अन्य साथी भी भूख हड़ताल पे थे, उनके आपने भूख हड़ताल तोड़ी गई, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले बात है, हम किसी पार्टी की बेस पे यहाँ पे नहीं आए, हम शहरी शहर में जो भी मसाइल पैदा होते हैं उसके लिए उलमा इकराम हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। उस वजह से हम लोगों ने सोचा है कि हमारा एक भाई तकरीबन 10 वर्ष से भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, और हमारा मुकद्दस महीना रमजान आ रहा है, इससे मुनासिब नहीं है किसी एक भाई हमारा बैठा हो और हम शहरी करते रहे, इसीलिए हम लोगों उलमा इकराम मशवरा किया कि जा करके उनसे रिक्वेस्ट किया जाए, और मसीह जो काम हो रहा है उसको हम फॉलो करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं काम हुआ तो हम लोगों ने फैसला किया इंशाल्लाह, इससे सबसे बड़ा आंदोलन इस बात हम लोग करेंगे अगर उन्होंने काम नहीं किया। 10 दिन बात क्यों आए, 10 दिन पहले भी है तो आ सकते थे आप लोग? नहीं, हम लोग क्या है, कुछ और हमारे मसाइल होते हैं, हम मस्जिद को उलमा इकराम है, हमारी बहुत सी जिम्मेदारी होती है, रमजान से पहले बहुत जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लोग काम मुकम्मल करके अलहमदिल्ला फारिग हुए तो फौरन आए। ये बात तो बहुत ही सोच रहे थे कि चलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा दाखिल हुई, लेकिन हम अपने काम में लगे, हमारे भी वही मसाइल होते हैं मस्जिद मदरसे की वजह से हमको दाखिल हुई, और हमारा जलसा भी चल रहा था और दस्तारबंदी भी थी, और बहुत से मसाइल होते मदरसे के, जो आखिरी पीरियड होता है शाबान का उसमें मदरसा बंद होता है, उसमें सारे मसाइल होते हैं, कोई फारिग नहीं होता, तो वजह से हम लोग नहीं आ सके। अब मदरसा बंद हो गया है और सारे बच्चे वगैरह चले गए, तो हम लोग फारिग हो, तो हम यहाँ पे इनके ताउन के लिए हम लोग आ गए, और जहाँ भी ताउन होगा उलमा इकराम जमीनी सतह पर उठ करके आएंगे, और किसी पार्टी की बेस पर नहीं आएंगे, याद रखिएगा आप लोग, कोई नाम नहीं है किसी का भी, जहाँ जहाँ भी आंदोलन होगा और शहर के एतबार से हम सब उलमा इकराम तैयार है अपनी पूरी टीम के साथ इंशाल्लाह।